ये जी हमने सबसे पहले इसका डीसी ब्रेकर ऑन करना है। अच्छा जी, उसके बाद हमें एसी ऑन करना है और यहाँ से एक ब्रश का बटन होगा वो उसको ऑन करना है। अब ये थोड़ी देर लेगा इसको ऑन करने के लिए और उसके बाद जो है वो हम आपको बताएंगे कि इसकी वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन कैसे की जाती है। ये अब ऑन होना स्टार्ट हो गया, ये आप देख रहे हैं कि ये ऑन होना स्टार्ट हो गया, सोलर की लाइट जो है ब्लिंक करना। अब ये कॉमन कॉम की जो है ये भी लाइट आना स्टार्ट हो गई है। अब ये जैसे ही ऑन होगा ये देख रहे हैं आप ये वाली लाइट। अब इसकी भी कंडीशन है कि जैसे ही ये ऑनलाइन होगा तो ये आपको शो होने लग जाएगा, इसकी जो लाइट्स हैं वो कॉन्स्टेंट हो जाएंगी। हमने ये एसवाई नॉक्स कंपनी का 12 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम को ऑनलाइन करना है, वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन इसकी करनी है। तो हम इसके लिए सबसे पहले जो है सोल प्लैनेट की ऐप को डाउनलोड करेंगे। सोल प्लैनेट की ऐप पर अकाउंट बनाना है, तो अकाउंट बनाने के लिए आप पहले ऐप ओपन करें। ऐप ओपन करके वहां पर एक आएगा डू यू हैव एन अकाउंट, उस पर क्लिक करें। उसके बाद दो अकाउंट आपके पास ऑप्शन आएंगे जिसमें एक ईमेल होगा और एक कॉन्टैक्ट नंबर होगा। आपने ईमेल पे क्लिक करना है, क्लाइंट की ईमेल डालें, उसके बाद कोड आएगा, कोड वेरिफिकेशन कोड जैसे ही आप ऐड करेंगे। उसके बाद आपने पासवर्ड लगाना है, पासवर्ड लगाने के बाद आपका अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट जब बन जाए तो उसके बाद आपने क्या करना है, ये कंट्री रीजन दिया होगा, कंट्री रीजन पे आपने सेलेक्ट करके जो भी आपकी कंट्री है, फॉर एग्जांपल मेरी तो पाकिस्तान है तो मैंने पर्सन ऐड कर दिया। तो उसके बाद हम यहाँ पर ईमेल ऐड करेंगे जो कि क्लाइंट की ईमेल है। ये जैसे ही सारी ईमेल और पासवर्ड ऐड होगा तो ये रिमेंबर पासवर्ड और एक्सेप्ट पे आपने क्लिक करना है और लॉगिन कर देना है। ये लॉगिन जैसे ही हो गया तो ये आपने ओके करके आगे जाना है। अब ये दे रहा है कि नो इंस्टॉलेशन प्लान, प्लस पे क्लिक करेंगे। प्लस पे क्लिक करने के बाद कॉन्फ़िगर पैरामीटर्स ये स्कैन करना है आपने यहाँ से। अच्छा जी, स्कैन हो गया। स्कैन होने के बाद ये क्रिएट न्यू प्लांट आएगा। क्रिएट न्यू प्लांट पर आपने चेंज आइकन इमेज ये शॉर्ट लेना है आपने और इसकी पिक्चर फेंस दी है। कंप्लीट करने के बाद प्लांट नेम लिखना, जिस तरह क्लाइंट का नेम है मैं वही लिख रहा हूँ। ये 5700 इनके हमने लगाई है कैपेसिटी और इलेक्ट्रिसिटी इस टाइम जो है आपको पता है 2800 यूनिट तक चल रही है। और ऑर्गेनाइजेशन कोड जो है वो इनका ऑर्गेनाइजेशन कोड ये बाय डिफॉल्ट है MXBUK, ये बाय डिफॉल्ट एक है, ये आपने लाजमी ऐड करना है। ये ऐड करने के बाद आप इंस्टॉलर फोन नंबर ये इंस्टॉलर ये आप ऐड करेंगे। उसके बाद ये ग्रॉस प्लांट टाइप होगा, रेजिडेंशियल है तो हम रेजिडेंशियल इसको कन्वर्ट करेंगे और अदर सेटिंग में एजिमथ इसका है 196 टिल्ट एंगल 18 एंड एंड और हम उसके बाद इस पे नोट 1 नोट 2 नोट 3 में कुछ नहीं करना, ये क्रिएट में आपने चले जाना। प्लांट हो गया क्रिएट, ये अल्लाह के करम से हमारा जो सिस्टम है वो ऑनलाइन हो चुका है। ये आप देख रहे हो कि ग्रीन लाइट आ रही है। इससे पहले आपने क्या करना है कि वो जैसे ही आपने एक्सेस कर लेना है, क्रिएट प्लांट कर लेना, फिर उसके बाद आपने पॉइंट टू पॉइंट में जाकर या नेटवर्क में जाकर इसका जो वाईफाई है यानी कि जिस घर में आप रह रहे हैं या जिस जगह पर आप रह रहे हैं उसका वाईफाई और उसका पासवर्ड ऐड करना है। जैसे ही आप पासवर्ड ऐड करके कॉन्टिन्यू करेंगे तो आपका जो सिस्टम है वो ऑनलाइन हो जाएगा। ऑनलाइन की स्पेसिफिकेशन यही है कि जो इन्वर्टर है उसकी ग्रीन लाइट और उसके साथ ही ब्लू लाइट होगी वो ऑन हो जाएगी, वो मैं आपको ये आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। उसके अलावा फिर जब आप ऐप इंस्टॉल करेंगे तो ये बिल्कुल जिनकी हमने इंस्टॉल किया है तो उसके साथ यहाँ पर ये ग्रीन लाइट ऑन हो जाएगी। अब हम इसको ऑन करता हूँ मैं, तो जैसे ही ऑन करें आप देख रहे हैं कि 69 वाट दे रहा है। इसकी रीज़न यह है कि अभी जो मौसम है वो बारिश हो रही है इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा और ये सिस्टम इसका आना स्टार्ट हो गया। नॉक्स की इन्वर्टर की ऐप में सिर्फ ये पीवी ही शो कराता है, बाकी ग्रेड बैटरी और दूसरी तरफ ये शो नहीं कराता, ये बाय डिफॉल्ट है, इसके में परेशान नहीं होना। और अगर आप मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।